प्राइज सभी को जय हिंद। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज हमारा शनिवार है और शनिवार के दिन हम क्या करते हैं, अपना रिवीजन करते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं वो 5 और 2 की रेशियो में करते हैं, यानी सोमवार से शुक्रवार 5 दिन हम अपना अच्छे से पढ़ाई करते हैं और शनिवार और रविवार 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन अच्छे से अपना जो भी हमने इस 5 दिन में पढ़ा है उसे अपना अच्छे से रिविजन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो आप लोगों के पास थोड़ा सा लेट जा रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि आज हमें कहाँ से रिवीजन करना है। तो जब रिवीजन की बात आती है तो अब ये कैसे पता चले कि इस 5 दिन में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो मैंने इस डायरी पे सब कुछ सब लिख रखा है कि आज हमें क्या क्या रिवीजन करना है, क्या क्या करना है और कहाँ से करना है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रिवीजन करना है। तो सबसे पहले जो हम डेली करते हैं कैलकुलेशन, आपको 13 से लेकर 21 तक का पहाड़ा टेबल अच्छे से रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेना है आपको। फिर हिंदी में हमारा व्याकरण पोर्शन हो गया खत्म, हिंदी में हमारा व्याकरण हो गया खत्म, तो आपको व्याकरण अपना अच्छे से रिवीजन कर लेना है। जो भी चैप्टर आपने इस हफ्ते में हमने छंद अलंकार और रस पढ़ा है, तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर पीछे का भी चैप्टर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा, केवल आज इस हफ्ते का चैप्टर आप रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी पीछे का कैसे रिवीजन करना है वो मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट तरीका। और उसके बाद अब हम सोमवार से अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे, हिंदी का प्रैक्टिस लेके चलेंगे, साहित्य लेके चलेंगे, अनेकार्थी समानार्थी ये सब जो चीजें हैं एक्स्ट्रा चीजें इनको लेके चलेंगे। उसके बाद आपको पर्यायवाची याद करनी है, कोयल का, इस्या का, पार्वती का, हिमालय का, ये 4 पर्यायवाची आपको अच्छे से रिवीजन करना है। और एक बात, ये जो चीजें आपको रिवीजन करना है ये केवल आज नहीं करना है, ये 2 दिन में करना है, यानी शनिवार और रविवार आपको 2 दिन में इस 5 दिन की चीजों को 2 दिन में अच्छे से रिवीजन करना है, सभी आज भी करना है कल भी करना है। उसके बाद जीके और जीएस में मार लेते हैं, तो जीके और जीएस में मैप हमने यूरोप के लगभग, मैप हमारा यूरोप का लगभग खत्म ही हो गया है, बस कुछ देश बचे हैं, तो हमने यूरोप में जितने देश पढ़ लिए हैं उन देश की राजधानी और मुद्रा हमें याद होनी चाहिए। तो इस मैं टेलीग्राम पे इनके देश और राजधानी मुद्रा को याद डाल दूंगा, इनका मैंने लिख रखा है, तो फोटो खींच के मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। और एशिया के देश और राजधानी को भी एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद संविधान में हमने अनुच्छेद 93 तक पढ़ लिया है, तो आपको 1 से लेकर अनुच्छेद 93 तक एक बार लिख के याद कर लेना है। आपको किसी रफ पे लिखना है, 1 से लेकर 93 गिनती लिखना है, फिर उसके सामने उस अनुच्छेद में क्या है उसे लिख के ऐसे करके याद करना है। तो आपको अनुच्छेद, तो मैंने टेलीग्राम पे खान सर का पूरा पॉलिटी का नोट्स डाल रखा है, आप लोग वहां से रिवीजन कर सकते हैं। सेम इतिहास का भी मैंने नोट्स डाल रखा है खान सर का, तो आप लोग इतिहास को वीडियो भी हमने पढ़ा है उसे रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद यूपी जी के हमारा खत्म हो गया है, फाइनली हमारा यूपी जी के खत्म हो गया है, तो आप लोगों को रिवीजन कर लेना है यूपी जी के, जो भी हमने 2-3 क्लास इस हफ्ते में लिया है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज हमें क्या करना है आज, तो उसके बाद सबसे जरूरी चीज है, आप लोगों को पता होगा कि हम हर संडे, सैटरडे और संडे मानसिक अभिरुचि की क्लास लेते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में मानसिक अभिरुचि बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। 15 से 18 क्वेश्चन हमारा अगली बार आया था, इस बार भी सेम 15 से 18 क्वेश्चन आएगा, तो हम रीजनिंग हर सैटरडे और हर सैटरडे और रविवार को रीजनिंग हम करते हैं। तो रीजनिंग में आपको मानसिक अभिरुचि की एक क्लास लेनी है, जो कि हमारी 6वीं क्लास है, और वो रवि तिवारी सर से लेनी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पोस्टर, तो यही हमारी क्लास है, इसी को आपको लेनी है। और इससे पहले हमने 5 क्लास कर ली है, अगर आपने नहीं करी है तो सबको भी कर लीजिएगा। तो ये हमारा मानसिक अभिरुचि की क्लास हमें आज ये लेनी है, और आपको जुलाई के दिवस को अच्छे से याद करना है। तो यही था हमारा आज का टारगेट।